हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक आईक्यू के बारे में, जिसका सेकंड डे मतलब अभी देखो 12 बज रही है अप्रोक्स यहाँ पे सेकंड डे की। तो अभी हम देखेंगे लाइव कंडीशन में यहाँ पे कि इसमें क्या चल रहा है, अभी इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए इसमें। तो आज का हमारे पास हाफ डे और कल का फुल डे मतलब ट्यूजडे का, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो आएगी 19 तारीख को इसका लास्ट डेट होगा। अब क्या ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी आने वाली है, तो मंगलवार इसका लास्ट डेट रहेगा इस उसमें, ठीक है। अभी इसका कंपनी का नाम वो है यूनाइटेड कॉटफेब एसएमई आईक्यू, एसएमई कैटेगरी का आईक्यू जो नॉर्मली 1.25 लाख 1.5 लाख तक की रेंज में होते हैं। तो इसको अगर आपको भरना है तो नॉर्मली इतना अमाउंट तो मिनिमम आपको लगना है, जैसे जैसे इसमें मिनिमम अमाउंट लगेगा 1,40,000 का। तो उस चीज़ के साथ ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा माइनस प्लस होता है तो फिर अमाउंट भी उस हिसाब से लॉस में आएगा या प्रॉफिट में आएगा इस कंडीशन में। और यहाँ पे जब भी आप इसमें पूरा बाय सेल करते हैं तो पूरा का पूरा जो लॉट होता है, जैसे 2000 शेयर्स का इसमें एक लॉट है, तो पूरा का पूरा आपको बाय या सेल करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं होता कि आपने इंस्टॉलमेंट में थोड़ा बहुत खरीद लिया थोड़ा बहुत बेच दिया, वो चीज़ नहीं होती। पार्शल वाला बाइंग सेलिंग नहीं होती, पूरा का पूरा लॉट बाय सेल होता है। इसमें ये जो आईपीओ का साइज है वो है 36-37 करोड़ का आईपीओ, मतलब 36.29 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ये साइज के आईपीओ आते हैं। 13 तारीख से स्टार्ट हुआ था, मतलब कल से स्टार्ट हुआ था, सेकंड डे हाफ डे हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे इसमें, और 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है इसमें। तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है यहाँ पे, जो भी पूरा पूरा पैसा आएगा यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में वहाँ पे आएगा काम में यहाँ पे उस चीज़ के लिए। और देखो एक शेयर एक लॉट के लिए यहाँ पे इसमें 2000 शेयर्स आएंगे इसमें यहाँ पे, और 1,40,000 रुपये का अमाउंट लगेगा इसमें मिनिमम इसमें यहाँ पे। और इसमें जो प्राइस पॉइंट रखा गया फिक्स रखा गया यहाँ पे 70 रुपये का, मतलब वो नहीं रखा गया कि रेंज वाला नहीं रखा गया, फिक्स रखा गया 70 रुपये पे ही अप्लाई करना है यहाँ पे, अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो तो। इसमें मेन चीज़ें यहाँ पे हम जीएमपी वगैरह सब देखेंगे, यहाँ पे जीएमपी है नहीं है, उसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम अभी आगे। अब देखो इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रखा है रेशो यहाँ पे इसमें। इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स में यहाँ पे पहले 100% थी, अब जो इसके आईपीओ आने के बाद अप्रॉक्स 70% के यहाँ पे जाएगी, तो ठीक है नॉर्मल वाली बात है इसमें यहाँ पे। और एक लोड के लिए अपन ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे क्या है अमाउंट, और मिनिमम एचएनआई लोड में अगर जाते हैं यहाँ पे दो लोड में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमम एचएनआई लोड में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये अमाउंट यहाँ पे ऐसे में। अब इसकी देखो मेन चीज़ है जीएमपी यहाँ पे, अगर आप देखो 1,40,000 रुपये लगा रहे हो तो जीएमपी हमें देखना चाहिए मेन प्रायोरिटी में चाहिए उस पर, कि अगर जीएमपी सही चल रही है चल रही है यहाँ पे। अब इसकी जो जीएमपी है ना वो 28-29% का चल रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा रिस्की वाला फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी कम चल रही है। अगर इसमें थोड़ा सा मार्केट में वोलेटाइल हुआ है, मार्केट में नेगेटिविटी आई, तो ये और अगर डाउन हो जाएगी यहाँ पे जीएमपी, तो चांसेस क्या ना, ये कई बार ऐसा होता है कि 40-50% दिखा भी रहा है पर वो फ्लैट ओपन रहता है फिर नेगेटिव ओपन होता है। रिसेंटली भी कुछ हुआ भी था ऐसे, इस तरीके एक दो आईपीओ में हुआ था कि 40-45% तक दिखा रहा है, फिर उसके बाद वो -10% पे ओपन हुआ। तो अगर आप -10% पे भी ओपन होता है तो 14-15 हज़ार रुपये का एक साथ यहाँ पे नेगेटिव दिखने लग जाता है ऐसी कंडीशन का, ठीक है। तो वो चीज़ इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, जो मुझे पर्सनली लग रहा है यहाँ पे इसमें, तो मतलब इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा भी नेगेटिव होने लगा तो दिक्कत कर सकता है यहाँ पे इस कंडीशन। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी वगैरह क्या क्या रहता है यहाँ पे इसमें। कंपनी का काम है अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका कंपनी का है बिजनेस यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे में इसका फंडामेंटल्स वगैरह देखेंगे एक बार, फंडामेंटल्स क्या है इसके। फंडामेंटल्स देखिए अगर यहाँ पे, तो फंडामेंटल्स में देखें तो 21 में 22 में 23 का दे रखा डेटा। 21 में इसका यहाँ पे माइनस में था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा प्लस में आया, ठीक है। उसके बाद 23 में थोड़ा और प्लस में आया, उसके बाद 24 में यहाँ पे अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है इसमें यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा देखो कई रीजन हो सकते हैं यहाँ पे इसके, इसका आईपीओ लाने के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ें रीजन दिखाते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग दिख जाती है यहाँ पे उसकी रीजन होते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अर्निंग भी जनरेट हो सकती है, ठीक है। अदर इनकम की वजह से दिखने लग जाता है कई बार तो रीजन। बाकी रिटेल की टिकट में देखा है तो 50% में से मैं रखा गया है जिसका ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 7-8 गुना तो बढ़ चुका है, और 10-12 गुना तक यहाँ पे इंट्राट मतलब डे एंडिंग तक यहाँ पे हो जाएगा इसमें यहाँ पे। तो मतलब देखो भरना नहीं चाहिए इतनी जल्दी यहाँ पे, लास्ट डेट तक थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी भी 19 तारीख तक का लास्ट डेट का टाइम है यहाँ पे, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए सेकंड डे तक भरने में ऐसी कंडीशन में। जब क्लियरिटी नहीं हो जीएमपी की तब लास्ट डेट तक ही भरो तो ज़्यादा क्लियर रहता है। अब इसे एनआईआई कैटेगरी है, एनआईआई कैटेगरी में बहुत कम भरा है, 1 गुना भरा है मतलब सिर्फ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये एक समझदारी वाली बात है कि यहाँ पे ये लोग कम भरे हैं इस कंडीशन में। अब आगे हम देख लेते हैं और कोई डिटेल्स वगैरह दिख रही होते हैं यहाँ पे, बाकी पीए ग्रुप वगैरह का जैसे ठीक है ऐसा कुछ। बाकी इस कंपनी के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कंडीशन देखिए यहाँ पे कुछ भरने का ऐसा कुछ सेंस है नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन भी मार्केट में है आईपीओ के इस केस में, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इसे जल्दी आज, तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।